हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, अभी इससे पहले जब तीनों एग्जाम होती थी, नीट, एम्स और जिपमर, तब स्टूडेंट पहले एम्स दिल्ली में एडमिशन लेते थे, उसके बाद नीट के टॉप कॉलेज जैसे मौलाना आज़ाद या फिर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते थे, उसके बाद एम्स के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जिपमर में एडमिशन लेते थे और उसके बाद नीट के बचे हुए कॉलेज में एडमिशन लेते थे। तो इस प्रकार से नीट के टॉप कॉलेज अलग थे, एम्स के टॉप इंस्टीट्यूशन अलग थे। अभी जब सारे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नीट से होगा तो नीट के एम्स के टॉप कॉलेज कौन कौन से होंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 50 कॉलेज के नाम बताऊंगा जिसमें एम्स व जिपमर के इंस्टीट्यूशन भी शामिल हैं। आप इसी टॉप 50 के अनुसार अपना ड्रीम कॉलेज सेट कर लें ताकि उसी के मुताबिक तैयारी करके अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकें। अभी नीट का अच्छा स्कोर आ जाने के बाद काफ़ी स्टूडेंट अच्छी फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का ध्यान रखते हुए वो स्टेट को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट अपने ही स्टेट में कॉलेज लेना चाहते हैं ताकि चाहे दूसरे स्टेट में उनको कितने ही अच्छे कॉलेज मिले, वो अपने ही स्टेट में कॉलेज लेना चाहते हैं। तो इन सब बातों का इस वीडियो में ध्यान रखा गया है। जैसे ही कोई स्टूडेंट, मान लो जैसे कोई स्टूडेंट बिहार का है और उसको पटना मेडिकल कॉलेज पटना मिल रही है, अगर वो एम्स जोधपुर भी उसको अगर मिल रहा है तो उसे अपने स्टेट में एडमिशन न लेकर एम्स जोधपुर में एडमिशन लेना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर नीट, एम्स व जिपमर के सभी इंस्टीट्यूशन को मिलाकर टॉप 50 मेडिकल कॉलेज की लिस्ट तैयार की है। तो आइए देखते हैं कौन से वो टॉप 50 मेडिकल कॉलेज हैं जिनको एम्स व जिपमर भी उसमें शामिल हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले एम्स दिल्ली है टॉप में और ये हमेशा ही टॉप रहेगा। इसमें जो टॉप के स्टूडेंट हैं, 100 रैंक तक के स्टूडेंट, इसमें OBC रैंक के स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेते हैं और इसमें 51 सीट जनरल की हैं, तो जनरल के 51 से 55 तक इसमें एडमिशन ले लेते हैं जनरल रैंक से। वैसे कोई इसमें सीट छोड़ता नहीं है एम्स दिल्ली में। इसके बाद में हम बात करें मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली की, तो एम्स दिल्ली में एडमिशन लेने के बाद ये टॉप जो जनरल कैटेगरी के 51 स्टूडेंट हैं, उसके बाद की जो स्टूडेंट हैं वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में एडमिशन लेते हैं। सेकेंड टॉप का कॉलेज है और ये सेकेंड टॉप का कॉलेज ही रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं एम्स जोधपुर की, तो ये थर्ड टॉप कॉलेज है। इसके बाद में एम्स भुवनेश्वर और AIIMS पुणे को स्टूडेंट एम्स से भी ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो फीस है वो बिल्कुल कम है, इसमें स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी अच्छी मिलती है टाइम टाइम पर। इसके बाद में इसमें फिजिकल फिटनेस वगैरह का और इसमें सेना में नौकरी करने का मौका मिलता है, तो स्टूडेंट इसको अच्छा लाइक करते हैं। यहाँ से MBBS किया हुआ स्टूडेंट अपने आप को एक अच्छा डॉक्टर मानता है और अच्छा डॉक्टर होता भी है वो। इसके बाद एम्स भोपाल 6 नंबर पर, 7 नंबर पर एम्स ऋषिकेश और 8 नंबर पर CMC वेल्यूर। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि CMC वेल्यूर प्राइवेट कॉलेज है लेकिन एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन है। पहले ये रैंक 2 पर हुआ करती थी और अभी भी अच्छी रैंकिंग की कॉलेज है। इसमें फीस बिल्कुल कम है, 50,000 तक पर ईयर इसकी फीस है। हॉस्टल वगैरह और अच्छा फैसिलिटी वगैरह होने से इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद में 9 नंबर पर हम वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज को लेते हैं, क्योंकि ये नई दिल्ली में स्थित है इसलिए इसको स्टूडेंट ज़्यादा लाइक करते हैं। इसके बाद में जिपमर की जो कॉलेज हैं, 2 कैंपस में है ये, जिपमर पुडुचेरी और जिपमर क्राइकल, तो 10 नंबर पर हम जिपमर पुडुचेरी को लेते हैं और 11 नंबर पर जिपमर क्राइकल में एडमिशन ज़्यादातर स्टूडेंट लेते हैं। 12 नंबर पर डिमांड रहती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की रहेगी अब की बार आने वाले समय में। 13 नंबर पर हम माने तो
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। इसके बाद में 14 नंबर पर हम फिर एम्स रायपुर को प्रेफरेंस देंगे और 15 नंबर पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लखनऊ में यानी BHU। इसके बाद में KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ 60 नंबर पर, 70 नंबर पर एम्स पटना। इसके बाद में 18 नंबर पर BJMC अहमदाबाद और 19 नंबर पर BJMC पुणे। ये दोनों अहमदाबाद और पुणे BJMC की ही मेडिकल कॉलेज हैं। इसके बाद 20 नंबर पर सेठ GS मेडिकल कॉलेज मुंबई। इसके बाद 21 पर ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, 22 पर BMC यानी बेंगलोर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर। इसके बाद 23 पर GMC चंडीगढ़, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ भी एक अच्छा रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन है, इसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ जो पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट हैं वो दिल्ली के बाद में इसी को प्रिपेयर करते हैं। इसमें जो बाकी प्रेफरेंस हैं वो स्टेट वाइज भी हैं, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट यूपी का है तो वो KGMC को पहले प्रिफेयर करेगा, कोई स्टूडेंट महाराष्ट्र का है तो वो GMC सेट GS वगैरह को प्रेफरेंस ज़्यादा करेगा। तो इस प्रकार से स्टेट वाइज भी स्टूडेंट इनको प्रेफरेंस देते हैं। 24 नंबर पर मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, 25 पर AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, 26 नंबर पर कोलकाता मेडिकल कॉलेज कोलकाता, 27 नंबर पर एम्स बठिंडा। एम्स बठिंडा भी अच्छा इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद 28 पर CMC लुधियाना और 29 नंबर पर ओस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद। इसके बाद 30 नंबर पर एम्स नागपुर, 32 नंबर पर SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, 33 नंबर पर पटना मेडिकल कॉलेज पटना, 34 नंबर पर गांधी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, 35 नंबर पर लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज मुंबई, 36 नंबर पर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर, 37 नंबर पर RG कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता, 38 नंबर पर टोपीमाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई। इसके बाद में 39 नंबर पर SCB मेडिकल कॉलेज कटक, 40 नंबर पर एम्स गोरखपुर, 41 नंबर पर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर, 42 नंबर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत, 43 नंबर पर लेंगे हम एम्स तेलंगाना को। ये भी एम्स तेलंगाना भी एम्स की अच्छी रैंकों पर बंद होता है। एम्स बठिंडा भी अच्छी रैंक पर बंद होता है। 44 नंबर पर आंध्रा मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम, 45 नंबर पर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, 46 नंबर पर मैसूर मेडिकल कॉलेज मैसूर, 47 नंबर पर गोवा मेडिकल कॉलेज पणजी, 48 नंबर पर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी, 49 पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और 50 नंबर पर रिम्स रांची। तो ये टॉप 50 इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद स्टूडेंट इन्हीं को लाइक करते हैं। एम्स रायबरेली 51 नंबर पर, 52 नंबर पर एम्स गंटूर और 53 पर एम्स कल्याणी, 54 पर एम्स देवगढ़। ये सारे के सारे नए इंस्टीट्यूशन हैं एम्स के। एक साल इनको हो जाएगा इस साल में, इसलिए ये 50 कॉलेज के बाद इन नए इंस्टीट्यूशन को प्रेफरेंस देंगे आने वाले टाइम में। तो दोस्तों ये जानकारी थी टॉप 50 मेडिकल कॉलेज जिसमें एम्स जिपमर भी शामिल हैं। इस प्रकार की जानकारियां हम आपके लिए आगे भी लेते आएंगे। तब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नई जानकारी में नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।